ये लैपटॉप की रेंज मेरे पास 7000 में अवेलेबल है। एप्पल के ऑल इन वन कंप्यूटर है, ये भी एकदम लेटेस्ट मॉडल है मेरे पास, स्क्रीन के अंदर ही आपको पूरा कंप्यूटर है। तो भाई आज का दिन है बहुत बड़ा, क्योंकि आज हम लोग जा रहे हैं कुछ ऐसी नई जगह पे। आपने पहले मेरा लैपटॉप का ब्लॉग तो देखा रहेगा, तो उसने मुझे, कुमार सर ने क्या बोला कि भैया मालाड़ में जा, मालाड़ में अपना एक बहुत बड़ा शोरूम है। लेकिन फिलहाल तो अभी हम लोग है कहाँ पे, गांधीनगर घाटकोपर के, बहुत आ गए यार, बहुत खर्चा हुआ, क्या बताओ, 150 रुपये खाली रिक्शा वाले ने लिया। तो कोई नहीं, ब्लॉग को स्टार्ट करते। तो है व्हाट्सअप गाइस, दिस इज मिस्टर सैगर, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। से बस आएगी, बस से जाएंगे हम लोग, फिलहाल देखते कितने नंबर बच जाते हैं। तो ब्लॉग में बने रहना, अभी जाएंगे मालाड़ के लिए। मास्क थोड़ा सा मैंने नीचे लिया है क्योंकि जरा सांस लेने में दिक्कत हो रही है। अभी देखते 460 नंबर का बस, अभी जब आएंगे तब देखेंगे, जाएंगे डायरेक्टली मालाड़ शोरूम में जाएंगे, देखते तक लिए वीडियो देखते रहना। अपनी बस घंटा ला रहे हैं, बस का वेट करते करते। और अंकल अंकल देख रहे हैं अपने को, कैसे ब्लॉग कर रहे हैं। गाइस वीडियो तो स्टार्ट करते हैं हम लोग ने, लेकिन एक चीज़ बोलना भूल गया, चैनल पे अगर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना प्लीज़, क्योंकि आपका एक हर एक सब्सक्राइब मुझे वीडियो बनाने में मोटिवेट करता है, और आपका हर एक लाइक मुझे वीडियो बनाने में मोटिवेट करता है। सब्सक्राइब भी कर देना, लाइक भी कर देना, और बाजू मुझे बेल आइकन उसको भी हिट कर देना, हिट कर देना, हिट कर देना, हिट कर सब्सक्राइब करो यार, सब्सक्राइब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो गाइस फाइनली हम लोग को बस यहाँ पे मिल गई है, बहुत ही टाइम के बाद, मतलब यार आधे घंटे के ऊपर हो गया है ना, आधे घंटे के ऊपर हो गया भाई, हम लोग को बस ही नहीं मिल रही थी, लेकिन फाइनली बस तो मिली। अभी देखते हैं जर्नी थोड़ा बहुत, तो जर्नी का एक सिनेमेटिक थोड़ा वीडियो देख लीजिए जर्नी का, डायरेक्ट वो स्टॉप पर मिल गया। गांधीनगर के बस स्टॉप यार, फिर से अभी घूम फिर के आए इसी बस में, और हम लोग को डायरेक्टली एक ही बस मिल गया, यानी कि देखो कितना घूमना फिरना पड़ता है यार ट्रैवलिंग करने के लिए। अरे चलो तो गाइस फाइनली उतर गए बस से यार, देखो ये अपनी बस यार, इतना घंटा, अरे यार क्या बताओ कितना टाइम, मतलब 1.5 से 2 घंटा प्रॉपरली लग गया हम लोग को यहाँ तक पहुँचने के लिए। अरे जा इकड़े बस ले, जहाँ से हम लोग को जाना है टोयोटा शोरूम, लेकिन आते वक्त रिक्शा को 150 रुपीज हुआ, यहाँ से बस में 50 रुपीज लिया, और अभी भी रिक्शा वाले यहाँ से बोल रहे 50 रुपीज, मतलब यार मेरे को पूरा टोटल अराउंड 250 रुपये में ओला मिल रहा था, तो ओला करके मैं जा सकता था, बट यहाँ पे बस से इतने धक्के खा के और फिर रिक्शा में बैठ के गए, वो भी फिर भी 250 रुपये का ही अराउंड, उधर ही 50 रुपये खाली ज़्यादा हो रहे, लेकिन उतना ही हो रहा है ना, उससे अच्छा यार ओला करके आते सही पड़ता हम लोग को। सिटी देखिए देखिए मालाड़ से है हम लोग, यार भूख बहुत लगी है, अभी खाने के लिए कुछ मिला तो बहुत सही होगा, नहीं तो क्या इससे ही आगे देखते चला विचार। रेस्टोरेंट रिक्शा मिल गया गाइस, रिक्शा में ही जाने का, अभी क्या और 50 रुपये था, और 50 रुपये यार थोड़ा अभी क्या 250-300 रुपये खर्चा हुआ, तो खर्चा हुआ।
लोग को बोलता था टोयोटा शोरूम, यहाँ पे मेरे पीछे आप देख सकते हो ये पूरा जो एरिया है टोयोटा शोरूम है आपके सामने, हर एक चीज़ मेरे को देखने को मिली यार। ये तो टेनिस का कोर्ट है, देख लीजिए ठीक से, ये जो देख रहे हैं पूरा टेनिस का कोर्ट है। लेकिन हम लोग को जाना है अभी किरण टावर, अभी यहाँ पे किसी को तो पूछते हैं किरण टावर कहाँ पे, रिक्शा वाले को पूछते हैं, ये गिर जरा अंकल किरण टावर कहाँ पे, किरण टावर यहाँ पे पूछना पड़ेगा किसको तो यार, किरण टावर कहाँ पे, उसका कुछ तो शॉर्ट है, उसको छोड़ो, हॉबी को, हॉबी को कुछ तो हुआ इससे। वॉइस के लिए थोड़ा सा सॉरी, वॉइस मेरा थोड़ा सा स्लो आ रहा है क्योंकि बैकग्राउंड नॉइस ना मेरे पीछे से बहुत ज़्यादा आ रहा है, इसलिए ना थोड़ा सा मेरा वॉइस का एडजस्ट कर लेना भाई। लेकिन व्यू बहुत सही है, मुझे पसंद आया यार, वो बहुत पसंद आया आपको। एक चीज़ बताना भूल गया गाइस, आपको वाइड एंगल जो मतलब क्लियरिटी दिख रही है ना, अगर पसंद आया रहेगा ना तो लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि मुझे तो बहुत पसंद, मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है यार व्लॉग शूट करना। फाइनली हम लोग को हमारा डेस्टिनेशन मिल गया, तो ये कुमार सर के भाई है, ये यहाँ पे शॉप पे ये रहते सर, आपको कल्पेश, कल्पेश परमार, ये मलाड में लिंक रोड पे ही दुकान है इनसाइड सिस्टम करके, सेकंड हैंड में कोई भी चीज़ चाहिए रहेगी हमारे पास बहुत ही अच्छी रेंज और रीजनेबल रेंज में आपको मिल जाएंगे। एड्रेस यार आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने दे दूंगा, तो बिंदास आराम से आइए, एक शॉप अपना दादर में, एक शॉप यहाँ पे, यहाँ का पूरा कैसे आना और कैसे आना वो आपको ट्रैवलिंग तो दिख गया रहेगा पूरा। अभी एक्सप्लोर करते जितने आप मेरे पीछे देख सकते हो, तो पूरे मैकबुक के मतलब एप्पल की जितनी भी वराइटीज़ है आपको सब यहाँ पे मिलेंगे। अभी देखते यहाँ पे क्या अलग और क्या नया चीज़ मिलता है, तो गाइस वीडियो में बने रहिए। गाइस शॉप में फिलहाल तो एक कस्टमर है, इनसे ही पूछते कि यहाँ के रिव्यू कैसा है, मतलब फीडबैक ये देंगे कि शॉप में क्या अच्छा, और मतलब आप मुझे बहुत सारे कमेंट आते हैं मुझे कि भाई फेक है ये वो है, तो आपको डायरेक्टली भाई फेस टू फेस बता देता हूँ कैसा रिव्यू है यहाँ का। पहले आपके इंट्रोडक्शन दे दीजिए। सर का कहना ये है कि यहाँ पे जो चीज़ें मिलती है लैपटॉप और डेस्कटॉप बहुत ही चीप रेट में और बहुत अच्छी क्वालिटी के मिलते हैं, और सर बोल रहे हैं कि आप भी आ सकते हो, मतलब देख लीजिए गाइस कि कस्टमर भी खुद आपको बोल रहा है कि यहाँ पे आओ, मतलब इन्होंने यूज़ किया है खुद, तो गाइस देख लीजिए, आपको नंबर वंबर सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अभी फिलहाल तो करते सारी चीज़ का रिव्यू। दोस्तों मैं लैपटॉप्स के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, मेरे पास अभी लिनोवो के लैपटॉप्स आए हुए हैं, थोड़े रीजनेबल रेंज में, वर्क फ्रॉम होम, पढ़ाई के लिए अगर आप देख रहे हो, या एकदम लाइटर वेट, कहीं टू इजी टू कैरी भी करना रहेगा तो एकदम लाइटर वेट लैपटॉप मेरे पास लिनोवो के अवेलेबल है, जिसमें फोर्थ जनरेशन का ड्यूअल कोर प्रोसेसर है, 4GB का रैम है, हार्ड डिस्क 320GB का हार्ड डिस्क है। ये लैपटॉप की रेंजेस मेरे पास स्टार्टिंग है 13500 की रेंज में, 13500 की रेंज में, जिसमें आपको इनबिल्ट वेब कैमरा है, HDMI कनेक्टिविटी है, USB 3.0 USB कनेक्टिविटी भी है, और एकदम स्लिम लैपटॉप है ये। इसकी मेरे पास ज़्यादातर अभी क्वांटिटी में रेंजेस अवेलेबल है, प्राइस भी एकदम रीजनेबल है, इनबिल्ट वेब कैमरा है जो आपको पढ़ाई के लिए, अगर आप ऑफिस वर्क के लिए देख रहे हो तो आपको मीटिंग के लिए भी वेब कैमरा आपको लगेगा, तो इनबिल्ट वेब कैमरा के साथ है, और बहुत ही लाइटर वेट है, और प्राइस वाइज बहुत रीजनेबल है, 13500 की रेंज, 13500 की रेंज में आपको ये लिनोवो के लैपटॉप आएंगे। एक ही जैसे मेरे पास वाइड रेंजेस अवेलेबल है, बहुत सारे मॉडल चिकलेट कीबोर्ड के साथ है, और भी अगर आपको लैपटॉप्स में मेरे पास रेंजेस चाहिए रहेगी तो डेल के भी अवेलेबल है, जो आपको 15000 में कोर i5 प्रोसेसर के साथ आपको मिल जाएगा, i3 का फोर्थ जनरेशन अगर चाहिए रहेगा तो वो भी आपको मेरे पास अवेलेबल है, वो भी 15000 तक मैं करवा दूंगा, i5 सेकेंड जनरेशन, ये लिनोवो का i5 सेकेंड जनरेशन X220 करके मॉडल है, जो लाइटर वेट एकदम हैंडी प्रोडक्ट है, इजी टू कैरी आपको रहेगा, एकदम हैंडी है, ये भी मेरे पास 13000 की रेंज में आपको मिल जाएगा। लिनोवो थिंकपैड, लिनोवो थिंकपैड में भी अगर आपको ज़्यादातर वैरायटी चाहिए रहेगी तो मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे लिनोवो थिंकपैड में। ये लिनोवो थिंकपैड स्पेशली कॉर्पोरेट सेक्टर के हिसाब से बनाए जाते हैं, जो रफ एंड टफ रहते हैं, बहुत ही स्टडी रहते हैं, इसमें भी मेरे पास बहुत अच्छी रेंज आपको मिल जाएगी, मिनिमम अभी राइट नाउ इसमें भी 13000 मिनिमम स्टार्टिंग रेंज है, उसके बाद और हायर एंड आपको फोर्थ जनरेशन i5, सिक्स जनरेशन i5, 20000-25000 वैसे रेंज भी आपको अगर चाहिए रहेगी तो और भी रेंज आपको मेरे पास इसमें मिल जाएगी। HP का भी चाहिए रहेगा तो 8460 लैपटॉप अवेलेबल है, जो HP का सबसे अच्छा रनिंग मॉडल है i5 सेकेंड जनरेशन में। लैपटॉप्स के अलावा मेरे पास ऑल इन वन कंप्यूटर भी अवेलेबल है, जिसके स्क्रीन के अंदर ही आपको पूरा कंप्यूटर अवेलेबल है,
स्क्रीन में ही आपको पूरा कंप्यूटर है, इसमें अलग से सीपीयू लगाने की, अलग से आपको कोई भी चीजों की जरूरत नहीं है, ये स्क्रीन के अंदर ही आपको पूरा कंप्यूटर है। ये ऑल इन वन कंप्यूटर बोला जाता है, जो पूरा स्क्रीन के अंदर है, हैंडी भी है, कहीं इजीली मूवमेंट अगर आपको करना भी हो तो इजीली आप इसे यूज कर सकते हैं। लिनोवो का ऑल इन वन कंप्यूटर है, इसमें भी बहुत ही अच्छा प्रोसेसर है, इंटेल का कोर i3 थर्ड जनरेशन प्रोसेसर के साथ है। इसमें 4GB का रैम है और हार्ड डिस्क 500GB का हार्ड डिस्क है। ये मशीन भी अगर आपको चाहिए रहेगी ऑल इन वन, पूरा स्क्रीन के अंदर ही पूरा दिया हुआ, ये आपको 12,000 की रेंज में मेरे पास मिल जाएंगी। ऑल इन वन कंप्यूटर है लिनोवो का, थिंक सेंटर मशीन है। या आपको एप्पल में भी अगर मेरे पास रेंजेस चाहिए रहेगी तो एप्पल के ऑल इन वन कंप्यूटर है, ये भी एकदम लेटेस्ट मॉडल है मेरे पास। ये i5 के फोर्थ जनरेशन ऑप्शन है, इसके अंदर 8GB का रैम है, 1TB का हार्ड डिस्क है। ये भी रेंजेस मेरे पास 35-40 हज़ार, डिपेंड्स ऑन कंडीशन के हिसाब से रहेंगी, अलग अलग रेंज अवेलेबल है। बहुत ही पतला ही है, आपको एक मॉडल अगर मैं दिखा भी देता हूँ, इसे ऑन करके भी चाहिए तो मैं आपको बारीकी से इसके हर टेक्निकली फीचर्स भी बता दूंगा। एकदम स्लिम है, आपके मोबाइल के पतले जैसा एकदम स्लिम मॉडल है ये, आपको बहुत ही पतला है ये आपको। प्लस इसकी स्क्रीन की जो शार्पनेस रहती है, जो आप नॉर्मली कोई भी हाई डेफिनेशन मॉनिटर या टीवी भी आप ले लीजिए, उससे भी बहुत हायर क्वालिटी की इसकी स्क्रीन क्वालिटी रहती है, जो फुल HD है। मैं इसका आपको पूरा बारीकी से डेमो दिखा दूंगा, चालू करके इसके फीचर्स, इसके साउंड क्वालिटी एप्पल की आपको दिखा दूंगा। और बहुत रीजनेबल रेट में है, 35-40 की रेंज में एप्पल के कंप्यूटर्स आपको मेरे पास ऑल इन वन आपको मिल जाएंगे, एप्पल कीबोर्ड और माउस के साथ ये आपको रहेगा। मैं छोटे मिनी लैपटॉप के लिए भी आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, मेरे पास छोटे मिनी लैपटॉप अवेलेबल है जिसमें इंटेल का एटम प्रोसेसर है। ये सैमसंग के अवेलेबल है, एसर के अवेलेबल है, जिसमें 2GB का रैम अवेलेबल है, इंटेल एटम प्रोसेसर है, 160GB हार्ड डिस्क के साथ है। ये लैपटॉप की रेंज मेरे पास 7000 में अवेलेबल है, ये आपको इंटेल एटम प्रोसेसर के साथ आएगा, 2GB रैम, 160GB हार्ड डिस्क के साथ है। जो नॉर्मली डेटा एंट्री के लिए अगर आप देख रहे हो, हल्का सा नेट सर्फिंग के लिए अगर आप देख रहे हो, तो इसके लिए एकदम कॉम्पैक्ट साइज में मेरे पास बहुत सारी रेंजेस अवेलेबल है मिनी लैपटॉप की, जो आपको मेरे पास सैमसंग में, एसर में भी अवेलेबल है, जो 2GB 160GB, ये आपको 7000 की रेंज में आपको आ जाएंगे मिनी लैपटॉप एटम प्रोसेसर के साथ है। और भी वेरियंट मेरे पास अवेलेबल है, जैसे कि कोटूडियो लैपटॉप अगर आपको चाहिए रहता है, जो थोड़ा अच्छा परफॉर्मेंस देता है, वो भी मेरे पास 8000-9000 की रेंज में आपको आ जाएगा। मेरे पास AMD प्रोसेसर में अगर आपको चाहिए रहेगा तो HP के लैपटॉप्स अवेलेबल है, जो 12,000 की रेंज में वो भी आ जाएंगे। तो लैपटॉप्स में मेरे पास बहुत सारी वैरायटी है, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर भी रहेगा, आप WhatsApp करिए। आपके माइंड में कोई स्पेसिफाई कॉन्फ़िगरेशन कुछ अगर रहेगा कि आपका बजट क्या है, तो वो बजट की चीज़ मुझे आप बजट बताएंगे तो वो बजट की मैं चीज़ आपको एक्सप्लेन भी कर दूंगा, वैरायटी भी आपको बताते जाऊंगा। और कोई नए मॉडल्स आते हैं तो आप सर का तो चैनल सब्सक्राइब कर ही रहे हो, या कुछ भी रहे तो मुझे डेली व्हाट्सअप भी करते रहे, अगर कुछ रिक्वायरमेंट चाहिए रहेगी तो मैं आपको डेली ब्रॉडकास्ट में ऐड करके डेली अपडेट भी करते रहूँगा, कुछ नया स्टॉक लैपटॉप का, डेस्कटॉप का अगर आता रहेगा तो। और लैपटॉप्स में मेरे पास गेमिंग वाले अगर लैपटॉप चाहिए रहेंगे तो वो भी अवेलेबल है, जो i7 प्रोसेसर के साथ है। ये लिनोवो का 15.6 इंच स्क्रीन के साथ है, जो बड़ी स्क्रीन है, जिसमें साइड में नंबर पैड ऑप्शन भी दिया हुआ है, जो अकाउंटिंग पर्पस के लिए आप यूज करना चाहो तो कर सकते हैं। 15.6 इंच जो बड़ी स्क्रीन है, इसमें i7 का सेकेंड जनरेशन प्रोसेसर है, 8GB का रैम है, 500GB का हार्ड डिस्क है और NVIDIA का ग्राफिक कार्ड है। मीन्स ये लैपटॉप आप एज अ गेमिंग पर्पस के लिए भी यूज कर सकते हैं, अकाउंटिंग पर्पस के लिए भी यूज कर सकते हैं, डिजाइनिंग पर्पस के लिए भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसकी स्क्रीन साइज जो दी गई है बहुत ही बड़ी दी गई है, 15.6 इंच इसकी स्क्रीन है, मेटल बॉडी है, लिनोवो कंपनी का है। ये लैपटॉप मेरे पास 20,000 की रेंज में आपको आ जाएगा, लिनोवो का मॉडल है, Z570 करके मॉडल है, 15.6 इंच स्क्रीन, i7 सेकेंड जनरेशन, 8GB रैम, 500GB हार्ड डिस्क के साथ है, 20,000 में आपको आएगा, बहुत ही बढ़िया पोजीशन है, आप नंबर पैड एवरीथिंग। और ये ग्राफिक कार्ड के भी मेरे पास बहुत सारी रेंजेस आती रहती है, मगर ये ग्राफिक कार्ड वाले लैपटॉप अगर आप लेते हो तो मिनिमम 20,000 से स्टार्टिंग रेंज रहेगी ग्राफिक कार्ड लैपटॉप्स की। इसमें भी अगर आप मेरे पास हैवी वाले भी आते हैं, i7 फोर्थ जनरेशन, i7 सिक्स जनरेशन, मगर उसकी रेंज 28-30 वैसे, तो आपका बजट या माइंडसेट रहेगा तो ही आप इंक्वायरी करिएगा, वरना आपका बजट कम रहेगा और आप एक्सपेक्ट करेंगे कि ग्राफिक कार्ड वाला कोई 10,000 में करवा दो, तो वो बजट के हमारे पास नहीं रहेंगे, मिनिमम 20,000 की रेंज में अवेलेबल रहेंगे। दोस्तों मैं मैक का आपको एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। मैकबुक में मेरे पास 21.5 इंच स्क्रीन के साथ है, जो बहुत ही बढ़िया स्क्रीन है, स्क्रीन क्लैरिटी, साउंड क्लैरिटी बहुत ही बढ़िया है। इसका मैं आपको टेक्निकली कॉन्फ़िगरेशन भी बता देता हूँ, इसकी स्क्रीन की क्लैरिटी भी आप देख सकते हैं, इनबिल्ट इसमें स्पीकर भी दिया हुआ है, स्पीकर की साउंड क्लैरिटी भी बहुत ऑसम है। इसमें आप फुल HD हाई डेफिनेशन अगर आप वीडियो कोई प्ले करते हो,
कोई आप एडिटिंग का काम करते हो, मूवीज या रेंडरिंग करना चाहते हो, तो इसमें आपको बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस मिलेगा, बिकॉज इसकी जो स्क्रीन क्लैरिटी है 1080 रेजोल्यूशन के साथ है। ये अल्ट्रा स्लिम लैपटॉप आई मैक है जो एकदम इजी टू कैरी भी रहेगा, परफॉर्मेंस में भी ऐसे देखने जाए अदर मैक से भी बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस में भी है। इसमें आपको जो स्टोरेज कैपेसिटी दी गई है, मैं आपको इंटरनल इसकी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। इसमें जो प्रोसेसर दिया हुआ है, अबाउट डी मैक के बारे में आपको मैं इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। ये iMac का 21.5 इंच का ये स्क्रीन है, लेट 2013 इसका ये मॉडल और ये सीरीज है, ये वो टाइम के टाइम लॉन्च हुआ है। और इसमें i5 का चौथा जनरेशन का प्रोसेसर है, इसमें 8GB की रैम दी गई है, इसकी स्टोरेज 1TB की स्टोरेज दी गई है, 1000GB की इसकी हार्ड डिस्क स्टोरेज है। और इसमें जो स्क्रीन क्लैरिटी है वो डिस्प्ले क्लैरिटी 1080 रेजोल्यूशन है, 1920x1080, जो आप टीवी खरीदने जाते हैं वो लोग टैग मार्क रखते हैं कि फुल HD टीवी है, वैसे ये iMac का भी फुल HD iMac है। और इसकी जो पैनल देते हैं वो IPS टाइप की पैनल रहती है, जिसकी क्लैरिटी एज कम्पेयर टू नॉर्मल आप कोई हाई डेफिनेशन मॉनिटर आप एडिटिंग के लिए HP, Dell या अदर ब्रांड का भी ले लीजिए, और एप्पल की क्लैरिटी आप कंपेयर कर लीजिए, तो एप्पल की ग्लॉसी फिनिशिंग रहती है, शार्पनेस जो रहता है वो बहुत ही शार्प रहता है, और वीडियो एडिटिंग और मूवीज वाले ज़्यादातर यही प्रीफर करते हैं। तो बहुत ही बढ़िया मशीन है ये एप्पल का, जो बहुत ही स्लिम है, i5 का फोर्थ जनरेशन परफॉर्मेंस के साथ है, और इनबिल्ट साउंड क्लैरिटी आप इसकी देखेंगे तो बहुत बढ़िया साउंड क्लैरिटी के साथ है। दोस्तों अभी मेरे पास टैब आए हुए हैं, जो ये 3000 की रेंज में, 2999 की रेंज में आपको टैबलेट है ना। आज के टाइम आपको मोबाइल बड़ी स्क्रीन प्लस टच स्क्रीन ऑप्शन के साथ नहीं मिलने वाला है, प्लस इसमें बैक साइड पे कैमरा है, और ये ब्रांडेड कंपनी का सैमसंग का टैब है। ये आप टैब अगर यूज करना चाहते हो, बेसिकली आपके पास फोर व्हीलर है, आप सीट के पीछे फिट कर दीजिए और आराम से बैठे बैठे म्यूजिक सुनते रहिए, नेट सर्फिंग करते रहिए, कुछ ना कुछ पिक्चर भी देखनी हो देख सकते हैं। 3000 रुपये में टैब मेरे पास ब्रांडेड कंपनी के अवेलेबल है, सैमसंग के, जिसका स्टैंडर्ड बैटरी बैकअप रहेगा। 3000 रुपये में नॉर्मल बच्चे घर पे गेम खेलने के लिए, यूट्यूब पे वीडियो देखने के लिए, पेरेंट्स लोगों को भी अगर आप व्हाट्सअप या फेसबुक सर्चिंग के लिए भी अगर आप दे देंगे, या आपके स्टाफ भी रहेंगे जो मार्केटिंग पर्पज के लिए खाली डेटा एंट्री भी करना चाहे, तो 3000 रुपये में टैब मेरे पास अवेलेबल है, बहुत ही रीजनेबल रेट में, एकदम हैंडी प्रोडक्ट भी हो जाएगा। आज के टाइम अगर आप लैपटॉप लेते हो तो ज़्यादा बैटरी लाइफ तो आपको मिलेगी भी नहीं, ये टैब में आपको अच्छा बैटरी बैकअप है, डेटा एंट्री पर्पज़ के लिए भी इनफ रहेगा, नेट सर्फिंग, व्हाट्सअप, फेसबुक, ये आप गाड़ी के पीछे भी लगवा दीजिए तो आपका नॉर्मल एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए भी बहुत ही अच्छा है। 3000 रुपये में आपको ये मेरे पास बहुत सारी रेंज अवेलेबल है, और भी इसमें मेरे पास टैब में और वेराइटी है, ये 3000 के, दूसरे 6000 के, 15000 के, वैसे भी बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल इसमें रहेंगे। गाइस आज की इस वीडियो में हमें बहुत सारे वैरायटीज और बहुत कुछ देखने को मिला। यार क्या चाहिए आपको, चीप में सस्ते में लैपटॉप चाहिए ले लो, ये वाला चाहिए ये ले लो, टैबलेट चाहिए नीचे पड़े देख लीजिए, ये टैबलेट, बहुत कुछ यार देखिए, पूरा भंडार है यहाँ पे, मतलब आप मुंबई के भाषा में बोलोगे यार तो वड़ा पाव के भाव में यहाँ पे मिल रहा है। गाइस यहाँ से हर एक चीज, हर एक एक्सेसरीज आपको 20 या 50 रुपए से स्टार्ट मिल रहा है, 50 से आपको और अपने आपका बजट रहेगा उतने मिल जाएगा यार, अभी अमीर रहोगे तो ले लोगे। सो कोई नहीं गाइस, यही था आज की इस वीडियो में, वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, क्योंकि आपका हर एक लाइक मुझे वीडियो बनाने में मोटिवेट करता है। सो गाइस वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ऐसे ही नए मजेदार और इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर अभी मिलते अगले वीडियो में, तब तक ले लीजिए मुझे इजाजत, बाय।